जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ हमारी आज की बड़ी खबर सुन के, जिसके मुताबिक दो भाइयों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया और इसकी वजह उनकी एक पत्नी थी। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर किन्नौर की, जहाँ ये घटना हुई। जी हाँ प्रिया, और हैरानी तो इस बात की है कि हमारे देश में अभी भी एक ऐसा कल्चर है जहाँ तीन या चार भाई एक ही औरत के साथ शादी कर सकते हैं। तीन या चार भाई भी हो तो उनका एक ही शादी होता है। औरत के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है कि अपने शरीर के बारे में भी सोचना। माँ बाप ने छोटी उम्र में शादी कराते हैं, औरत तो से नहीं पड़ेगा सारे, फिर बाद में उनको बहुत तकलीफें उठाना पड़ता है। हमारा जो चाचा भाई तो पांच है, पांच के गए, अभी झगड़ा होके उन्होंने अलग अलग कर दिया, तीन अभी इकट्ठे दो। मेरी लव मैरिज हुई है तो मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे छोटे भाई को अलग नहीं करना, कि इकट्ठे रहना, बचपन से हम साथ ही रहे। मैं नहीं चाहती थी पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया मेरे हस्बैंड ने, जिसके साथ मैंने लव मैरिज की, उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्ती किया कि ये छोटा भाई को भी अलग नहीं करना है, हम बचपन से इकट्ठे रहे हैं, साथ ही रहना है। अब होता भी है ना, किसी के घर में होता भी है, अभी भी होता है, अपने आँखों से देखा भी है, किसी का सॉल्व करने भी जाते हैं अभी भी। नहीं यहाँ किन्नौर का एक किन्नौर से बिलोंग करने बिलोंग करता हूँ, और जो मेरे जो शादी हुआ है वो भाई की से हुआ, और ये अब हमारे इधर इस तरह से हम भाई के साथ रहने का वो हमने वो किया है, अपने घर को अलग नहीं करने के लिए, अलग नहीं तोड़ने के लिए, जो जितना भी हमारा जो बनता है अपना जगह जगह, हम उसको बंटवारा नहीं करना चाहते, इसीलिए हम साथ रहने का हमने। पीपल से ना दिस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, बिकॉज लैंड होल्डिंग वाज स्मॉल, so getting married with one family, one woman means making a this small land holding intact. So this sounds not so convincing answer, but we don't know what was the need of the time. Maybe, you know, there was might have been a shortage of the woman, or the male female ratio might have been not so good as today we are having it. बच्चों बच्चे होगी तो उसके बाद उनको आपस में बंटवारा करते से उनको बहुत झगड़ा हो रहा है आपस में। औरत के लिए बहुत ही मुश्किल है ये, इसको मन में बैठने के बाद में फिर औरत ही बच्चों के साथ रह जाती है, उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है। अभी वो बोलते हैं साथ हमारे साथ बहुत अत्याचार हो किया, आ जाओ आप हमारे साथ आ जाओ, फिर हम जो जाके उनको मौके पर जाके उनको समझाते हैं और कर लेते हैं। मुझे सत्र के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता प्रिया, पर जितना भी मैंने पता करने की कोशिश की इस सिचुएशन के बारे में और ये जो कुछ हुआ इन दो भाइयों के बारे में, मुझे बस इतना ज़रूर समझ आया कि जो हमारा कल्चर है वो हमें कभी हैरान करने से नहीं छूटता। मेरी जानकारी के मुताबिक हिमाचल ही नहीं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ये प्रचलन है। और रोहन, हिमाचल में सांगला, सिरमौर, चितकुल, याबोंग, रिकोंगपियो और स्पीति में से न जाने कितने ही 50 घर हैं जहाँ ये प्रचलन अभी तक मौजूद है। हो जाते हैं बड़े होते के बाहर जाते हैं, नौकरी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, फिर दूसरे लाते हैं, फिर घर में औरत को बहुत दुख उठाना पड़ता है, फिर बाल बच्चे वो संभालते नहीं है, फिर घर में कुछ बहुत कुछ झगड़ा झुगड़ा सारे होते हैं, सारा कुछ औरत को सहना पड़ता है, बहुत मजबूरियाँ उठाना पड़ता है औरत को। ओ तेरे गाए गारा उठू जो मैं हिरे आई की गे फेरे लो। मेरे आगे मेरे खानदान में आगे मेरे दादा दादी भी ऐसी कॉमन शादी थी, फिर आगे मेरे दादा दादी के सास ससुर भी ऐसी थी कॉमन शादी, फिर आगे मेरे ससुर सास भी कॉमन शादी थी, फिर आगे हमारा तो पर मतलब खानदान जैसा बना हुआ है। मैं छोड़ लूंगी ना, नहीं नहीं ऐसी तो नहीं, हम तो नहीं। फिर नहीं बैठाना, फिर दोबारा ले
क्या है, फिर बैठे प्रॉब्लम हुआ, फिर में फिर 8 साल प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद फिर दूसरा बच्चा हुआ, फिर उसके बाद 2 साल के बाद तीसरा बच्चा हुआ, फिर नस्बत ने कह दिया मैंने, फिर उसके क्या देखिए गृहस्थी मामला तो थोड़ा बहुत ऐसे होते ही ना। अब मैं 71 साल का हो गया हूँ, तो मैंने ये कोई 30-40 साल से इसकी इस रिवाज को देखा। Generally we are being told is that it was said that during the time of Mahabharata, these Pandavas when they were in exile, so they have visited these Himalayan places. So because of them, this political system has came to their society. वैसे ये रिवाज गलत तो नहीं था, समय के हिसाब से ठीक था, मगर आज साधन लोगों के बहुत हो गए गुजारे करने का, नौकरी पेशा में चले गए, पढ़े लिखे हो गए, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा, लोग अलग अलग रहने लगे। माता बता देती थी कि ये फलाने का बच्चा है, ये फलाने का बच्चा है, इसलिए इस तरह से पंचायत के रिकॉर्ड में भी उनको चढ़ा देते थे, उनके इस बच्चे माने जाते थे। इस गांव में 3 हैं, 4 तो नहीं है, 3 तक है, 2-3 है, हर 25-30 होगा इस गांव में। But still, it doesn't mean that it's discontinued. Even today, many young people are living together. It's not number is big, but suppose now that there are 4 brothers now, 2 brothers is living with 1 woman, 2 with 1. But how it functions today's context, how the woman deal with that, I don't know. That I don't have much idea about that. Can one woman love 2 brothers equally like that or not? मेरा नाम है अरुणा नेगी, मैं चित्र गाँव की रहने वाली हूँ, मेरी एज है 21 और यहाँ मैं मतलब की ग्रेजुएशन हो गई है मेरी 21 से फिर यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर पहले ज़माने में ऐसे होते थे कि यहाँ पर हमारे गर्ल्स के मतलब की कई के 3-3 भाई होते थे, उनके साथ कॉमन मैरिज होती थी, मजबूरी में उनको करना पड़ता था। मैंने ये चीज़ें मतलब कि अपने पूरे ज़माने के बुज़ुर्गों में देखा है कि उनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी कॉमन मैरिज में। आगे की लाइफ में ऐसी नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे की लाइफ में मतलब कि जो नई जनरेशन है उनमें ऐसे नौपत्ते आए, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की भी कॉमन मैरिज हो जाए। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अब हम आपसे कल मिलेंगे इसी समय। मैं प्रिया और मैं रोहन, धन्यवाद।